आज कुछ लोग कहते हैं अरे आते आते आ गए, कुछ लोग मनवाद व्यवस्था के लोग और कौन कहते हैं आते आते आ गए अंबेडकर, इनको ये लोग भगवान मानने लगे। ज्यादातर तुमने बहुत लोगों ने सुना होगा कहते हैं कि आते आते आ गए अंबेडकर, इनको ये लोग भगवान मानने लगे। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं बाबा साहब को भगवान क्यों माना जा रहा है? अपना पथ प्रदर्शक, अपना रहनुमा, अपना अगुवाकारी बाबा साहब को क्यों माना जा रहा है? भगवान की संज्ञा उनको क्यों दी जा रही है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। कोई व्यक्ति नहर या नदी में डूब रहा हो, नहर या नदी में डूब रहा हो, उधर से हमारे शिव कुमार कुशवाहा जी निकल पड़े, अरे कोई व्यक्ति डूब रहा है, तौलिया पकड़ा दी, ए भैया तौलिया पकड़ो बाहर आ जाओ। वो व्यक्ति बाहर आ गया, जो व्यक्ति डूब रहा था, जो व्यक्ति मर रहा था पानी से, वो बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद में जब उसने अपने आप को संभाला, शिव कुमार भैया के आगे बैठ गया हाथ जोड़ करके और क्या बोला, अरे भैया आप आ गए। कोई भी व्यक्ति डूबने वाला हो यही कहेगा बचाने वाले से कि भैया आप आ गए तो हमारे प्राण पखेरु बच गए, अगर आप नहीं आते तो हमारे प्राण पखेरु कहने मतलब चले जाते, यानी हम मर जाते। भैया आप तो हमारे भगवान बनकर के आ गए। भैया इसी तरीके से दलितों की नैया डूब रही थी, कोई उनकी नैया का खेवैया नहीं था, दलितों की नैया डूब रही थी, तो परम पूज्य बाबा साहब ने आकर के उसको किस तरीके से किनारे लगाया है सुने जरा। बाबा साहब को भगवान क्यों माना जा रहा है ध्यान से सुने। तैतीस कोटि देवता हुए, देवी देवता 33 कोटि बताए जाते हैं, और 23 भये अवतार। अरे सूत्र खड़े रोते रहे, कौने सुनी ना पुकार। उस समय 33 कोटि देवी देवता बताए जाते हैं, 23 अवतार बताए जाते हैं, लेकिन किसी ने हमारे इस बहुजन समाज को फूटी आंख से नहीं देखा। कोई बता सकता है कि किसी भी व्यक्ति ने तुम्हारे लिए पानी की, किसी देवता ने पानी के लिए लड़ाई लड़ी हो, तुम्हारे लिए अन्न के लिए लड़ाई लड़ी हो, किसी देवी देवता ने तुम्हारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी हो, तुम्हारी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी हो? कोई नहीं सामने आएगा। कौन आएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरे भैया गौर करो, जब तुम पर ऐसी मुसीबत आई थी तब तुम्हारे सामने कोई नहीं आया, किसी ने तुम्हारे दुख दूर नहीं किए। आज ये हमारा बहुजन समाज जाकर के मत्था पटक रहा है तो क्या आज सुन लेंगे? मैं तो यही कहता हूं, अरे बुद्धिहीनों आंखें खोलो, आंख खोल करके देखो, विचार करो, भगवान तुम्हारा कौन है? बाबा साहब को भगवान क्यों माना जा रहा है सुनेंगे। आर विधिगत परम पार सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, और बाबा के खातिर बच गई रे देखो जान तुम्हारी। खातिर बच गई देखो है जान तुम्हारी। जब बाबा साहब ने देखा शोषित पीड़ित समाज को,
भटकते हुए देखा, बूंद बूंद पानी के लिए तरसते देखा, एक एक अन्न के लिए तरसते देखा, कलेजा निकल आया बाबा साहब का। कहने लगे, हाय हाय हमारे समाज की यह हालत, कुत्ते बिल्लियों से बेवतर हमारे समाज की हालत है। बाबा साहब ने क्या किया, सोचने लगे ऐसा मैं इस समाज से नहीं टकरा पाऊंगा, ऐसा मनुवादियों से नहीं टकरा पाऊंगा, मुझे पढ़ना होगा, मुझे पढ़ना होगा। लोगों, बाबा साहब जब पढ़ते थे, जब बाबा साहब तो लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, तो ये रोड लाइट क्या होती चौराहों पर, रोड लाइट जो चौराहे पे होती है, चौराहों पर बैठ बैठ करके बाबा साहब पढ़ा करते थे। बाबा साहब के पास में जब पैसा छूट जाता था मेरा भैया, खाना खाने के लिए जब पैसा नहीं रहता था, तो कभी कभी एक ब्रेड भिगो करके खा लिया करते थे, पानी पी लिया करते थे, किसके लिए, हम और आपके लिए। अगर बाबा साहब ने भरपेट भोजन किया होता तो हम और आप आज भरपेट भोजन नहीं पाते, पानी नहीं पाते, कपड़े नहीं पाते। बाबा साहब ने क्या किया, अरे विधि का तो यार मैं पार सुनाऊं, हाल सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। बाबा के खातिर बच गई रे देखो जान, ऐसा नहीं, अरे ज्ञान की रस्सी दही पकड़ आई। बाबा साहब ने क्या किया, लाओ चढ़ाई सभा के भाई, सभा के भाई। बाबा के खातिर बच गई रे देखो जान, बाबा के खातिर बच गई रे देखो जान तुम्हारी। ऐसा नहीं भैया, राजेश भैया, मेरे भी मखवैया आए थे, मेरा भी मखवैया आए थे, अधिकार तुम्हें दिलाए थे, भैया बोरू की रोटी खाए थे, अरे बोरू की रोटी खाए थे, और तुमको नीर पी, जो लोग सवाल जवाब करते हैं वो सुन ले कान खोल करके, बाबा साहब को ऐसे भगवान नहीं माना जाता है। हमारे भगवान की वो क्वालिटी है, हमारे भगवान की वो क्वालिटी है जो किसी के भगवान की क्वालिटी नहीं, हमारे बाबा साहब की कोई बराबरी नहीं कर सकता। बाबा साहब ऐसे विद्वान थे जिनको 3.5 लाख पुस्तकें कंठस्थ थी, भैया कंठस्थ थी, 3.5 लाख पुस्तकें चलती फिरती वो लाइब्रेरी थे। बाबा साहब दोनों हाथों से लिखते थे, बाबा साहब को 32, बाबा साहब के पास में 32 डिग्रियां थी। ऐसे भगवान नहीं हुए बाबा साहब, कैसे कैसे दुख मिटाए हैं बाबा साहब ने, तब जाकर के बाबा साहब को आज भगवान की संज्ञा मिली। सुने जरा, बीमा
सनी भैया। अरे हुई है हमार दीदी, आई हुई है हमार, आहा, अरे हुई है हमार दीदी, हुई है हमार, भीम भगवान हुई जीवन सूत्रों का, ऐसे भगवान नहीं हुए हैं बाबा साहब। सूत्रों को दिन में चलने की मना दी, उस समय में सूत्रों को दिन में चलने की मना दी थी, जब मनुविधान लागू था। सूत्र वर्ण का कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ करके जितने भी लोग आते हैं, जितनी भी 6656 जातियां आती हैं, वो सभी शूद्र वंश में हैं। शूद्र वंश के लोग दिन के उजाले में नहीं चल सकते थे। भंते जी, दिन के उजाले में नहीं चल सकते थे तो चलते कैसे थे भैया? रात में 4 बजे रात में निकलते, थालियां बजाते हुए निकलते। क्यों? काम के लिए बेचारे जाया करते थे, बेगार के लिए जाया करते थे, इसलिए थाली बजाते थे। ये मनु के मनु विधान में कानून था, अगर शूद्र को अगर किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति ने देख लिया तो उसे शूद्र को अगर किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति ने देख लिया तो उस शूद्र को मृत्यु दंड दिया जाएगा, 10 अंगुल की उसके मुंह में सलाख ठोक दी जाएगी। सूत्रों को चलने की थी दिन में मना दी, आधी रात में चलते थे भाई, और भैया तब तलक आर बनिए हमार दीदी, बनिए हमार, आर बनिए हमार दीदी, बनिए हमार, भीम भगवान बनिए हमार। और ऐसा नहीं भैया, गुलाम थी भारत की नारी, गुलाम थी भारत की नारी, पशु सामान खरीदी बेची जाती बेचारी। शूद्रों की बिक्री हुआ करती थी राज भैया, राजेश भैया, शूद्रों की, स्त्रियों की और बच्चों की, पुरुषों की बिक्री हुआ करती थी। आप लोगों ने खूब सुना होगा हरिश्चंद्र और तारा कहीं बिके थे, दास और दासियों की बिक्री हुआ करती थी, हम और आपके बच्चों की बिक्री हो जाया करती थी, सयानी बेटियों को घर से उठवा लिया जाता था, उनकी बिक्री कर दी जाती थी, राजा महाराजाओं के यहाँ वो दास दासी यानी दासी का काम करती थी, बच्चे जो लड़के होते थे वो दास का काम करते थे। भैया ऐसे ऐसे जुल्म अत्याचार हुए हैं, बाबा साहब ऐसे भगवान नहीं हुए भैया। जिस तरीके से आज कोई पशु को बेच देता है, इस तरीके से
पहले मनवाद व्यवस्था के लोग बेच दिया करते थे, हमारे समाज के लोग टुकुर टुकुर देखते रह जाते थे भैया, कुछ कर नहीं पाते थे। वाह वाह, मनु का विधान, और कैसे कैसे जुल्म अत्याचार हुए हैं, कैसे कैसे जुल्म अत्याचारों से परम पूज्य बाबा साहब ने हम और आपको मुक्त किया है। बाबा साहब को ऐसे भगवान नहीं माना जा रहा है, और जो भगवान बाबा साहब को नहीं मानते हैं, अरे शरीर से निकले पानी उसे पसीना कहते हैं, और जो भीम बाबा को भूल जाए उसे कमीना कहते हैं। गुलाम थी भारत की नारी, पशु सामान खरीदी बेची जाती बेचारी। भैया हाई हुई है हमार, भीमा हुई है हमार, आरे हुई है हमार, भीमा हुई है हमार, भीमा भगवान हुई है हमार। बाबा साहब नहीं, शूद्रों को पढ़ने की थी मना दी, शूद्र भैया शूद्रों को पढ़ने की थी मना दी, शूद्र पढ़ते नहीं थे भाई, अगर कोई पढ़ने लिखने की जरूरत करता क्यों भैया, तो उसकी जुबान कटवा ली जाती थी। अगर कानों से वेद मंत्रों को सुन लेता तो उसके कानों में शीशा पिघलवा करके डलवा दिया जाता था, वेद मंत्रों का उच्चारण कर लेता तो उसकी जुबान छटवा दी जाती थी। ऐसे कानून मनु विधान में लागू थे, ऐसे ऐसे कानूनों को बाबा साहब ने खत्म किया और हम और आपको स्वतंत्र किया। ऐसे बाबा साहब को भगवान नहीं माना जा रहा है, गौर करें। आर दई के अधिकार, पढ़ने का दई के अधिकार, आर दई के अधिकार, पढ़ने का दई के अधिकार, भीमा भागी वान हुई है हमारो। और शूद्रों को कौन कौन अधिकार नहीं थे, आज जो सूट बूट में घूम रहे हो भैया, गोविंदा वाले बाल कटाए घूम नहीं पाते, ये टच वाला मोबाइल लिए घूम रहे हो, ये लेकर के घूम नहीं पाते। धन्य है बाबा साहब। अरे कपड़े पहनने की थी मना दी, कपड़े पहनने की मना दी थी, तो आप कहेंगे तो पहनते क्या थे। सुनो, शूद्र वंश के लोग क्या पहनते थे, शूद्र क्या पहनते थे, शूद्रों का पहनावा क्या था, जो उच्च वर्ण के लोग मर जाते थे जो कपड़ा पहने, मुर्दों का उतरन, जो मुर्दे से कपड़े निकाले जाते थे, जो व्यक्ति जो मर गया जो कपड़े पहने वही कपड़े उतार करके शूद्रों को दे दिया जाता था। शूद्र पहनते थे, नए कपड़े नहीं पहन पाते थे भैया।
अरे मुर्दों का उतरन पहनते थे भाई। भैया आर्य दई के अधिकार। भैया राजेश भैया सूट बूट अरे दई के अधिकार सूट बूट का अरे आरे दई के अधिकार तुम्हें दई के अधिकार कपड़े पहनने का भीम भागे प्रेम सलो भगवान ने बुद्ध की।